एक दफा का जिक्र है, कश्मीर के जंगल में एक गोरी कवि रहती थी, जिसकी एक ही बेटी थी, जिसका नाम टोनी चिड़िया था। टोनी चिड़िया के पिता बंटी कबूतर एक गरीब किसान थे और माँ गोरी घर के काम के साथ साथ बंटी के साथ खेती बाड़ी में भी हाथ बटाती थी। टोनी चिड़िया एक गरीब किसान की बेटी थी। टोनी के चचा कड़कनाथ सेठ ने कुछ साल पहले जमीन के बंटवारे में पटवारी के साथ मिलकर हेरा फेरी की थी। कड़कनाथ बंटी कबूतर का बड़ा भाई था और इसी लिहाज में आकर बंटी कबूतर खामोश रहा। कड़कनाथ ने बंटी को थोड़ी सी जमीन देकर बाकी जमीन खुद हड़प ली। बंटी कबूतर के पास जमीन कम होने की वजह से फसल भी कम होती, जिसके कारण कमाई बहुत कम होती थी। बंटी का परिवार गरीबी के दिन काट रहा था। इसी गरीबी में ही टोनी चिड़िया का जन्म हुआ था। पैदा होते ही टोनी चिड़िया के पास शक्ति थी। वो अपने परिवार पर आने वाले हर खतरे को भांप लेती थी। इस बात का पता किसी को ना था। यहाँ तक के टोनी को भी इस बात का पता तब चला जब वो 5 साल की हुई। एक दिन, टोनी की माँ, मैं अनाज बेचने शहर जा रहा हूँ, रात तक घर लौटूंगा। ठीक है जी, ख्याल से जाइएगा। लेकिन बाबा, आज आप शहर ना जाओ, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। लेकिन टोनी बेटा, जंगल के सभी पक्षी अपना अनाज कल जंगल के शहर बेचने जा रहे हैं। अच्छा है कि उनके साथ मैं भी चला जाऊं। और तुम्हें तो पता है, अनाज बेचेंगे तो घर में कुछ रुपया पैसा आएगा। अब्बा जान, आप कल भी तो अनाज बेचने जा सकते हैं। हाँ बेटा, मैं कल भी जा सकता हूँ। तो ठीक है अब्बा जान, आप कल जाइएगा, लेकिन मैं आज आपको नहीं जाने दूंगी। अच्छा ठीक है टोनी बेटा, मैं कल चला जाऊंगा। टोनी जैसे तैसे करके अपने बापू को रोक लेती है। अगले दिन पता चला कि जंगल के पक्षी अपना अनाज लेकर जिस रास्ते से जा रहे थे, उस रास्ते में एक पुल था और पुल उस वक्त टूट गया जब वो पक्षी उसे क्रॉस कर रहे थे, जिसके कारण कुछ पक्षी जख्मी हुए और कुछ अपना दम तोड़ गए। इस हादसे से बंटी और गोरी बहुत डर गए। टोनी के पापा, अगर उस दिन टोनी ने आपको ना रोका होता तो आपके साथ भी कोई हादसा हो गया होता। हाँ टोनी की माँ, टोनी के कारण ही मेरी जान बच गई। गोरी और बंटी ने इसे एक इत्तफाक मान लिया था, लेकिन टोनी को ये एहसास होने लगा था कि उसके परिवार पर आने वाली हर एक मुसीबत का उसे एहसास हो जाता है। धीरे धीरे टोनी बड़ी हो रही थी। उसके परिवार की माली हालत अभी वैसी ही थी, लेकिन गोरी कम पैसों में ही परिवार का खर्च अच्छे से चला लेती थी। बंटी कबूतर और टोनी चिड़िया अपने छोटे से घराने में खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। लेकिन कहते हैं कि खुशियों की उम्र बहुत छोटी होती है। बंटी का बड़ा भाई कड़कनाथ बंटी को खुश होता देखकर जलता था और हमेशा यही योजना बनाता कि कैसे बंटी और उसके परिवार की खुशियों में आग लगाई जाए। मालिक, बंटी के पास आपसे बहुत कम जमीन है और खेती भी कम होती है, लेकिन क्या बात है, वो और उसका परिवार गरीबी में भी बहुत खुश रहता है। हाँ टुन्नू, इसी बात का तो मुझे पता लगाना है। एक बार बंटी और उसके परिवार की खुशियों का राज मुझे पता चल जाए, बस फिर तो उन तीनों की खुशियों में आग कैसे लगाना है वो मुझे पता है। लेकिन मालिक, इस बात का पता कैसे चलेगा? तुम ऐसा करो, बंटी के पास जाओ और उसके सामने मेरी अमीरी की गुण गाओ, फिर देखना क्या तब भी बंटी के चेहरे पर खुशी दिखाई पड़ती है। इससे क्या होगा हजूर? अरे टुन्नू, इससे क्या होना है? इससे होगा ये, अगर बंटी गरीबी में खुश है तो मैं उसे और भी ज्यादा गरीब कर दूंगा। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है हजूर। टुन्नू कड़कनाथ का नौकर है और वो उसके खेतों में काम करता है। कड़कनाथ के कहने पर वो बंटी के पास जाता है और बातों ही बातों में उससे पूछता है। अरे बंटी भाई, एक बात बताओ, तुम्हारे भाई कड़कनाथ इतने पैसे वाले हैं कि उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं, घर में नौकर चाकर हैं, लेकिन फिर भी खुश नहीं रहते। लेकिन तुम इतने गरीब होकर भी इतने खुश कैसे रहते हो? बस इतनी सी बात टुन्नू भाई,
खुश रहने के लिए पैसों की जरूरत नहीं पड़ती, बस दिल में सुकून और इंसान को कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। मुझे अल्लाह ने जितना भी दिया है मैं उतने में ही खुश हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। टुन्नू ने ये बात जाकर कड़कनाथ को बता दी। अच्छा, तो उसके मन में सुकून है और उसे किसी बात की फिक्र नहीं, मैं उसका सुकून उससे छीन लूंगा। अगले दिन कड़कनाथ एक छोटे से थैले में जहर से भरा हुआ खाद लेकर बंटी के घर गया। अरे बंटी भाई, कैसे हो? बंटी भैया, इस बार मैं शहर से बहुत ही बढ़िया खाद लेकर आया हूँ। इस खाद को खेतों में डालने से फसल बहुत जल्द बड़ी होती है और फसल भी बेहतरीन होती है। थोड़ी सी खाद मैं तेरे लिए भी लेकर आया हूँ। आज अपने खेत में ये खाद तू डाल दे, फिर देखना तुम्हारी फसल कैसे बढ़िया होती है। अच्छा भैया, अगर ऐसी बात है तो मैं ये खाद आज ही अपने खेतों में डाल दूंगा। अच्छा ठीक है बंटी भैया, अब मैं चलता हूँ। कड़कनाथ वहाँ से चला गया और मन ही मन में सोचने लगा कैसे बंटी को उल्लू बनाया है। लेकिन टोनी को इस बात का अंदाजा हो गया कड़कनाथ ने बंटी को जो खाद दी उसमें जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। टोनी ने अपने बाबा से कहा, बाबा हमारी फसल तो बिना खाद दिए ही बहुत अच्छी होती है, फिर हमें अपनी फसल में इस खाद को डालने की क्या जरूरत है। टोनी बेटा, कड़कनाथ भैया ने इस खाद को हमारी फसल में डालने को कहा है, फिर हमें इस खाद को अपनी फसल में डालने से भला क्या नुकसान होगा। ठीक है बाबा, अगर ये खाद आपको अपने खेत में डालनी ही है तो पहले बहुत थोड़ी जगह पर डालें, अगर उस जगह की फसल अच्छी हुई तो पूरे खेत में डालना। बंटी टोनी की इस बात को मान लेता है और वो थोड़ी सी जगह पर उस खाद को डालता है। दूसरे दिन बंटी जब अपने खेत में जाकर देखता है तो उस जगह की फसल जल चुकी थी जिस जगह पर उसने कड़कनाथ का दिया हुआ खाद डाला था, और वो जमीन बंजर हो गई थी। बंटी के साथ गौरी और टोनी भी वहां पर मौजूद थे। देखा बाबा, ताऊ जी ने जो खाद दी थी उसमें जहर मिला हुआ था, तभी तो यहाँ की फसल जल गई। अगर वो खाद आप पूरे खेत में डालते तो हमारी पूरी फसल बर्बाद हो जाती। टोनी बेटा, तूने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। बंटी ने टोनी को शाबाशी दी। बंटी और गौरी को इस बात का एहसास हो गया कि टोनी के अंदर आने वाली मुसीबत को भांप लेने की ताकत है। बाबा मेरे पास एक उपाय है जिससे हम ताऊ जी को सबक सिखा सकते हैं। ताऊ जी ने आपकी जो जमीन कब्जे में की है वो भी आपको वापस मिल जाएगी। लेकिन ये सब कैसे होगा टोनी बेटा? बस मैं जैसा कहती हूँ आप वैसा ही करना। आप दो दिन के बाद ताऊ जी के पास जाना और कहना उन्होंने जो आपको खाद दी थी आपने उसे खेत में डाला और चमत्कार हो गया, दो ही दिन में फसल लहलहा उठी। ठीक है टोनी, मैं ऐसा ही करूँगा। दूसरे दिन बंटी कड़कनाथ के घर गया। जैसा टोनी ने कहा था ठीक वैसा ही उसने कड़कनाथ से कहा। कड़कनाथ ने सोचा, ये कैसे हो सकता है, मैंने इसे जो खाद दिया था वो तो जहरीला था, तो वो खाद चमत्कारी कैसे हो सकता है। आप क्या सोचने लगे कड़कनाथ भैया, आपने भी अपने खेतों में वही खाद डाला है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बंटी भाई, मैंने भी वही खाद डाला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा मैं अब चलता हूँ। बंटी के जाने के बाद कड़कनाथ ने सोचा कि जब बंटी ने अपने खेतों में वही खाद डाला उसकी फसल भी अच्छी हुई, तो क्यों ना मैं भी इस खाद को अपने खेत में डाल कर देखूं। और कड़कनाथ ने लालच में आकर उस जहरीले खाद को अपने खेतों में टुन्नू से कह कर डलवा डाला। अरे टुन्नू, ये खाद कोई आम खाद नहीं बल्कि ये चमत्कारी खाद है, इस खाद को मेरे खेतों में अच्छे से डाल दो, कोई भी कोना खाली नहीं रहना चाहिए। खाद डालने के बाद कड़कनाथ को रात भर नींद ना आई। वो इस इंतजार में था कि कब सुबह हो और वो खाद का चमत्कार देखे। और जब सुबह हुई वहां जाकर उसने देखा तो उसने अपना सर पकड़ लिया और कहने लगा, अरे अरे ये क्या हो गया,
मेरी तो सारी फसल बर्बाद हो गई और सारी जमीन भी बंजर हो गई। रत्नाक समझ गया कि बंटी ने उसके साथ चाल चली है, लेकिन कड़कनाक इस बारे में बंटी से कुछ नहीं कह सकता था। कड़कनाक उसी दिन बंटी के पास गया और उससे कहा, बंटी भाई, उस खाद को डालने से तो मेरी फसल बहुत अच्छी हुई, मैं तो माला माल हो गया। मैं सोच रहा था कि अब मैं शहर चला जाऊं, तो मेरे पीछे मेरे खेत का क्या होगा? अच्छा होगा कि मेरे खेत तुम ले लो। बंटी को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। तभी उसने सोचा कि खेत तो बंजर हो गए होंगे, वो इनका क्या करेगा। तभी टोनी बोली, हाँ हाँ ताऊ जी, आप वो खेत बाबा को दे दीजिए। कड़कनाक शहर चला गया और उसने वो खेत बंटी को दे दिए। टोनी बेटा, हम इन बंजर खेत का क्या करेंगे? बाबा, आपका खेत आपको वापस मिल गया है, अब हम बहुत मेहनत करेंगे और इसे जरखेज करेंगे। तीनों ने खूब मेहनत की और वो खेत दोबारा से जरखेज हो गया। ये सब कुछ टोनी की अकलमंदी से हुआ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।